हेलो दोस्तों, दिस इज मधुसूदन नायक। फ्री नॉलेज में आप सभी का स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम सीखेंगे कि कैसे अपने एंड्रॉइड फ़ोन को एज ए रिमोट की तरह कैसे यूज़ करते हैं। आप अपने फ़ोन को एक ही एप्लीकेशन से माउस की तरह यूज़ कर सकते हो, कीबोर्ड की तरह यूज़ कर सकते हो, या आपके कंप्यूटर में कोई भी फाइल ओपन कर सकते हो, या आपके कंप्यूटर लॉक, रिस्टार्ट, शट डाउन कर सकते हो। तो चलिए हम देख लेते हैं उसे कैसे करते हैं। इसके लिए आपकी कंप्यूटर एंड आपकी मोबाइल फ़ोन सेम नेटवर्क में होना चाहिए। उससे पहले मैं आपको एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि अगर अभी तक मेरे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। उसके लिए सबसे पहले आप गूगल में टाइप कीजिए यूनिफाइड रिमोट, उसके बाद unifiedremote.com इस साइट में जाइए। देन नीचे आइए। नीचे आने के बाद यहाँ पे विंडोज़ में क्लिक कीजिए। उसके बाद देखिए एक नया पेज ओपन हो गया। देन यहाँ पे लेटेस्ट सर्वर में क्लिक कीजिए। देन इसे डाउनलोड कर लीजिए। उसके बाद इसे ओपन कीजिए। उसके बाद नेक्स्ट। देन आई एक्सेप्ट द एग्रीमेंट में क्लिक कीजिए। उसके बाद नेक्स्ट। देन विंडोज सर्वर एक्सपेरिमेंट चेक कीजिए। उसके बाद नेक्स्ट। उसके बाद इनेबल जॉयस्टिक सिमुलेशन चेक कीजिए। उसके बाद नेक्स्ट नेक्स्ट एंड इंस्टॉल। उसके बाद आप यहाँ पे देख लीजिए यूनिफाइड रिमोट का आइकॉन दिखा रहा है या नहीं। उसके बाद आप आपके फोन में जाइए, देन प्ले स्टोर ओपन कीजिए। प्ले स्टोर में सर्च कीजिए यूनिफाइड रिमोट एंड यहाँ पे देखिए दो फाइल दिखा रहा है यूनिफाइड रिमोट का, एक पेड है और एक फ्री है। सिंपली आप फ्री वाला इंस्टॉल कर लीजिए। उसके बाद इसे ओपन कीजिए। उसके बाद साइन इन दिखा रहा है, सिंपली मैं इसे स्किप कर दिया एंड देख लीजिए मेरा फ़ोन मेरा पीसी से कनेक्ट हो गया। उसके बाद चलिए हम एक एक करके फीचर्स देखते हैं। सबसे पहला बेसिक इनपुट, इससे आपके फ़ोन एज ए कीबोर्ड या माउस की तरह यूज़ कर सकते हो। एंड आप यहाँ पे देख सकते हो सब कुछ लिखा है। अगर आपको लेफ्ट क्लिक करना है उसके लिए आप एक ही फिंगर से टच कीजिए। अगर आपको राइट क्लिक करना है उसके लिए दो फिंगर यूज़ कीजिए, या स्क्रॉल करना है तो दो फिंगर से ड्रैग कीजिए, और भी बहुत कुछ। तो चलिए हम इसका एक सैंपल देख लेते हैं। एंड ये देखिए मैं मेरा फ़ोन से कुछ भी सिलेक्ट कर सकता हूँ, कुछ भी ओपन कर सकता हूँ, या कुछ भी क्लोज कर सकता हूँ। कीबोर्ड के लिए इस कीबोर्ड के आइकॉन में टैप कीजिए एंड देख लीजिए मेरा फ़ोन का कीबोर्ड ओपन हो गया। देखिए मैं मेरा फ़ोन में टाइप कर रहा हूँ और मेरा लैपटॉप में टाइप हो रहा है। उसके बाद चलिए दूसरा ऑप्शन देख लेते हैं। उसके लिए इस तीन लाइन में क्लिक कीजिए, देन रिमोट में क्लिक कीजिए। दूसरा ऑप्शन फाइल मैनेजर, जिससे कि आप आपके कंप्यूटर में कुछ भी फाइल, चाहे डॉक्यूमेंट्स, MP3, वीडियो, इमेज, कुछ भी आप ओपन कर सकते हो। तो चलिए हम इसका सैंपल देख लेते हैं। उसके लिए मैं फाइल मैनेजर में क्लिक किया। उसके बाद देखिए मेरा कंप्यूटर में जितना भी ड्राइव है सब आ गया। एंड सबसे पहला डेस्कटॉप, मैं डेस्कटॉप में क्लिक किया एंड डेस्कटॉप में जितना फाइल है मेरा फ़ोन में दिखा रहा है। चलिए एक वीडियो फाइल प्ले कर लेते हैं। उसके लिए इस वीडियो फाइल में क्लिक किया एंड देख लीजिए मेरा कंप्यूटर में वीडियो चालू हो गया। चलिए अब तीसरा ऑप्शन देख लेते हैं, जो कि मीडिया। इससे आप वॉल्यूम डाउन, वॉल्यूम अप या वॉल्यूम म्यूट कर सकते हो, या नेक्स्ट करने के लिए, प्रीवियस करने के लिए, या स्टॉप करने के लिए, या प्ले करने के लिए आप इससे कर सकते हो, या इसे स्टॉप करना है तो इसके लिए स्टॉप में क्लिक कीजिए। चलिए और एक ऑप्शन देख लेते हैं, जिससे कि आप रिमोटली शट डाउन, रिस्टार्ट, हाइबरनेट या स्लीप मोड में ले जा सकते हो। तो चलिए हम इसे शट डाउन कर देते हैं। उसके लिए शट डाउन में क्लिक किया एंड ये देख लीजिए मेरा कंप्यूटर शट डाउन हो गया। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक एंड शेयर कीजिए, उसके साथ साथ कमेंट करना मत भूलिए। एंड सबसे जरूरी बात, मेरे ICR कंप्यूटर, मोबाइल एंड इंटरनेट रिलेटेड वीडियो पाने के लिए मेरा चैनल सब्सक्राइब कीजिए।
एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।